नमस्ते एवरीवन, आज के इस स्टॉक एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो को प्लीज आप एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा। ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन या फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि मैंने फोर्टिस हॉस्पिटल के स्टॉक का एनालिसिस कैसे किया है एंड इसमें मेरी इन्वेस्टमेंट अप्रोच कैसी होगी। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये एक न्यू चैनल है तो इसे सपोर्ट और फीडबैक की सख्त जरूरत है। तो वीडियो देखने के बाद एंड में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि इस चैनल एंड वीडियो दोनों को मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्टिस हेल्थकेयर ये इंडिया की सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल नेटवर्क्स में से एक है। इसके दो ऑपरेशनल आर्म्स हैं, एक हॉस्पिटल बिजनेस एंड दूसरा डायग्नोस्टिक्स बिजनेस। डायग्नोस्टिक्स बिजनेस SRL के नाम से पॉपुलर है। ये नाम शायद आपने कोविड टेस्ट की वजह से पहले भी सुना हो। आज की डेट में फोर्टिस के पास 29 हॉस्पिटल्स हैं जिनमें 4,500 ऑपरेशनल बेड्स हैं एंड SRL के 410 डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं। इनमें से 140 नए बेड्स सिर्फ पिछले फाइनेंशियल ईयर में ऐड किए गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं एक स्टॉक एनालिसिस वीडियो में नंबर ऑफ बेड्स की इतनी बातें क्यों कर रहा हूँ। बट एक हॉस्पिटल का रेवेन्यू एंड ग्रोथ, ये दोनों एनालाइज करने में नंबर ऑफ बेड्स एंड रेवेन्यू पर बेड, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसी भी हॉस्पिटल को एनालाइज करने के लिए आपको तीन चीजें देखनी चाहिए। पहला है, हर साल अपने बेड्स की कैपेसिटी वो हॉस्पिटल कितने स्पीड से ग्रो कर रहा है। दूसरा, ARPOB यानी एवरेज रिवेन्यू पर ऑपरेशनल बेड में क्या ग्रोथ है। एंड आखिरी है ऑक्यूपेंसी रेट। अगर आप सिर्फ बेड ही बढ़ाते जाओ एक हॉस्पिटल के एंड वो ऑक्यूपाइड ही ना हो तो क्या फायदा। तो नंबर ऑफ बेड्स के साथ साथ ऑक्यूपेंसी रेट भी मैटर करता है। तो चलिए फोर्टिस हेल्थ केयर इन तीनों मेट्रिक्स पे कितना खरा उतरता है ये देखते हैं। फोर्टिस ने पिछले साल अपनी चार मेन फैसिलिटीज मोहाली, बुलंद, FMRI और शालीमार बाग में 140 न्यू बेड्स ऐड किए हैं। फोर्टिस नोएडा में भी 200 न्यू बेड्स का एक न्यू ब्लॉक ऐड करने वाला है जिसका उन्होंने पिछले साल भूमि पूजन भी किया था। इसके अलावा फोर्टिस के CEO ने एनुअल रिपोर्ट में लिखा है कि अपने चार मेन हॉस्पिटल्स में 500 बेड्स ऐड करने वाले हैं हर एक हॉस्पिटल में एंड जिसमें काफी प्रोग्रेस ऑलरेडी हो चुकी है एंड 1400 बेड्स और ऐड हो जाएंगे अगले 5 सालों में। फोर्टिस ने मानेसर में एक न्यू हॉस्पिटल भी एक्वायर किया है जिसकी कैपेसिटी 350 बेड्स की है। तो ये सब देख के एक पॉजिटिव साइन मिल रहा है कि फोर्टिस अपने बेड्स की कैपेसिटी इंक्रीज करने की सिर्फ बातें नहीं कर रहा बट एक्चुअल में इंक्रीज भी कर रहा है। अब हम आ जाते हैं दूसरे और तीसरे मेट्रिक पे जो है ARPOB एंड ऑक्यूपेंसी रेट। फाइनेंशियल ईयर 2023 में फोर्टिस हेल्थ केयर का एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट था 63.4%, जो अब बढ़कर 67.1% पे आ चुका है, जो कि बहुत ही हेल्दी साइन है एंड बिकॉज ये जंप हर क्वार्टर में ग्रेजुअली हुआ है ना कि अचानक से, इसलिए ये और भी अच्छी बात है। फोर्टिस का एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेशनल बेड जो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 49,400 रुपीज था, वो भी बढ़कर 55,000 रुपीज पर आ गया है, जो कि एक 12% के अराउंड का हेल्दी राइज है। अब वो बिल्कुल ही अलग बात है कि ये आम आदमी के लिए लूटने जैसी फीलिंग है, पर एक इन्वेस्टर की तरह आप इस फैक्ट का फायदा उठा सकते हैं। तो अभी तक हमने सिर्फ हॉस्पिटल स्पेसिफिक मेट्रिक्स डिस्कस किए हैं जिनमें फोर्टिस में कोई रेड फ्लैग नहीं नजर आ रहा। अब हम फोर्टिस हेल्थ केयर को एक हॉस्पिटल नहीं बल्कि रेगुलर बिजनेस की तरह एनालाइज करते हैं, जिसमें हम स्टॉक परफॉर्मेंस, कंपनी का डेट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल एटसेट्रा एटसेट्रा डिस्कस करेंगे। हॉस्पिटल के अलावा फोर्टिस का दूसरा आर्म है SRL डायग्नोस्टिक्स। शायद आपने इनके थ्रू अपना कोविड टेस्ट भी करवाया हो। जहां फोर्टिस के हॉस्पिटल्स बिजनेस ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में 5,100 करोड़ का बिजनेस किया है, SRL ने अराउंड 1,200 करोड़ ऐड किए हैं, जो कि बहुत ही हेल्दी अमाउंट है। अब SRL की स्टोरी बहुत ऑब्वियस है। कोविड के टाइम इस कंपनी ने दबा के पैसे बनाए, जिसका रीजन आप सब जानते हैं। बट जैसे जैसे कोविड टेस्टिंग खत्म हुई, SRL का रेवेन्यू डाउन आना शुरू हो गया, जिस वजह से फोर्टिस हेल्थकेयर के कंबाइंड रेवेन्यू ग्रोथ पर भी असर पड़ा। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कोविड टेस्ट ने सिर्फ और सिर्फ 3% कॉन्ट्रीब्यूट किया है SRL के रेवेन्यू में एंड SRL के नॉन कोविड रेवेन्यू में भी कोई खास ग्रोथ नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन आप स्क्रीन पर बने चार्ट्स पर पॉज करके आराम से देख सकते हैं। SRL ने अपने बिजनेस को काफी अच्छा ग्रो किया है एंड बिना कोविड टेस्ट के रेवेन्यू ग्रोथ भी काफी काबिले तारीफ है। SRL अपना IPO भी लेकर आ रहा है, बट इस डायग्नोस्टिक बिजनेस की मेजॉरिटी ओनरशिप फोर्टिस हेल्थकेयर के पास ही रहेगी एंड अगर IPO सक्सेसफुल होता है
तो फोर्टिस हेल्थ केयर को इसका एडिशनल बेनिफिट मिलना चाहिए। अब हम फोर्टिस हॉस्पिटल के डेट की बात करते हैं। अपने एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से फोर्टिस ने अपना नेट डेट को लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 220 करोड़ से कम किया है एंड कंपनी का टोटल लॉन्ग टर्म डेट भी कम होता जा रहा है, बट कंपनी की लीज लायबिलिटीज में इंक्रीज भी है। इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में फोर्टिस का नेट डेट 330 करोड़ है एंड टोटल डेट 1200 करोड़ के अराउंड है एंड दोनों ही फिगर्स पिछले साल से कम है। इसके अलावा फोर्टिस ने पहली बार डिविडेंड भी अनाउंस किया है। इस केस में मैं इसे एक पॉजिटिव साइन ही कंसिडर करूंगा बिकॉज कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर में बहुत अच्छा बिजनेस किया है एंड डिविडेंड पे आउट शेयर होल्डर्स के लिए एक मोटिवेशनल साइन है, चाहे वो 0.3% का ही पे आउट क्यों ना हो। रेवेन्यू ग्रोथ, पिछले तीन साल में कंपनी ने अपना रेवेन्यू कंसिस्टेंटली इंक्रीज किया है। कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड हेल्थ केयर इन्फ्लेशन की वजह से ये रेवेन्यू आगे भी इंक्रीज ही करता रहेगा। इंडिया में आज रेगुलर इन्फ्लेशन 6% है बट हेल्थ केयर इन्फ्लेशन 14% पे आ चुका है। इसका मतलब सिंपल भाषा में ये है कि जहां बाकी चीजें 6% से महंगी हो रही हैं, दवाई और इलाज का खर्चा 14% से महंगा हो रहा है। एंड जिस तरह इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस की अवेयरनेस बढ़ रही है, बहुत सारी ऐसी जनता है जो अपना इंश्योरेंस क्लेम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही करती है। अब आप खुद ही सोचो, अगर आपका एक्सीडेंट होता है, आई होप कि कभी ना हो, बट लेट से अगर कोई एक्सीडेंट होता है एंड आपको पता है कि इंश्योरेंस में आपका इलाज 100% कवर्ड है, तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे या सरकारी? हॉस्पिटल्स का रेवेन्यू तब भी इंक्रीज करता है जब कंट्री की पॉपुलेशन की एज बढ़ती है। अब इंडिया एक बहुत यंग कंट्री है, बट जैसे जैसे पॉपुलेशन बूढ़ी होती जाएगी, हॉस्पिटल्स की डिमांड बढ़ते जाएगी। इनफैक्ट ये रीजन तो ऐसा है जिस वजह से मैं हॉस्पिटल्स में अपने आप को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह देखता हूँ। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बिल्स ने तो बहुत लोगों को कंगाल किया है, बट इंडिया जैसे देश में फोर्टिस जैसे बड़े हॉस्पिटल्स का कंगाल होना बहुत ही मुश्किल है। इनकी रेवेन्यू ग्रोथ को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। मेडिकल टूरिज्म, हेल्थ केयर इन्फ्लेशन बढ़ने के बावजूद इंडिया वर्ल्ड में मेडिकल सर्जरीज के लिए एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इंडिया में बहुत सारे कंट्रीज से लोग आते हैं अपनी सर्जरीज करवाने, जैसे नी रिप्लेसमेंट, हेयर ट्रांसप्लांट, आई सर्जरीज, हिप रिप्लेसमेंट वगैरह वगैरह। फोर्टिस को पिछले क्वार्टर में मेडिकल टूरिज्म से 113 करोड़ का रेवेन्यू मिला है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के फोर्थ क्वार्टर से 65% ज्यादा है। मेडिकल टूरिज्म फोर्टिस हेल्थ केयर के टोटल रेवेन्यू में अराउंड 8-9% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री से पेशेंट्स का फ्लाइट्स लेकर इंडिया आना, 5-स्टार होटल्स में हफ्ते भर रहना एंड सर्जरी का बिल, सब कुछ मिलाकर उन्हें अपने कंट्री में वही सेम सर्जरी करवाने से बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है। FII एंड DII, इन दोनों ने भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया है। इतने सारे पॉजिटिव साइंस के बीच में ये एक और पॉजिटिव साइन है। फोर्टिस में FII एंड DII ने पिछले एक साल में अपना शेयर स्टॉक में इंक्रीज कर दिया है एंड प्रमोटर्स ने अपना शेयर होल्डिंग परसेंटेज बिल्कुल मेंटेन करके रखा हुआ है। किसी भी कंपनी में FII एंड DII जब अपना शेयर इंक्रीज करते हैं तो वो एक हेल्दी साइन माना जाता है एंड इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट भी शो करता है एक स्टॉक की ओर। ये कोई श्योर शॉट तरीका नहीं है पता लगाने का कि स्टॉक अच्छा है या बुरा, बट इसे अगर बाकी पैरामीटर्स के साथ एक साथ देखा जाए तो ओवरऑल आइडिया मिल जाता है। अगस्त 2021 से फोर्टिस का स्टॉक प्राइस साइडवेज ट्रेड कर रहा है एंड कोई ग्रोथ भी नहीं हुई। सेम टाइम में कुछ बाकी हॉस्पिटल्स जैसे मैक्स और नारायणा रन अप दे चुके हैं। फोर्टिस का प्राइस 250 से 300 की रेंज में कंसोलिडेट कर चुका है एंड इस रेंज में मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता जाऊंगा जब तक पॉसिबल हो। फोर्टिस हॉस्पिटल मई 2007 से इंडियन स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड है एंड लॉन्च से आज तक एब्सोल्यूट रिटर्न सिर्फ 186% का दिया है, जो कि 16 साल को देखा जाए तो कोई बहुत अच्छा रिटर्न नहीं है। बट आज ये हॉस्पिटल एंड स्टॉक बहुत हेल्दी कंडीशन में है एंड अगले कुछ साल इस हॉस्पिटल के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। ये स्टॉक कुछ और टाइम तक साइडवेज मूव कर सकता है एंड शायद डाउन भी जाए, बट लॉन्ग टर्म में फोर्टिस का फ्यूचर ब्राइट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ छोड़ छाड़ के फोर्टिस हॉस्पिटल के स्टॉक में इन्वेस्ट कर देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। बाकी इंडस्ट्रीज जैसे FMCG, बैंक्स एंड IT, इनके कंपैरिजन में ये स्टॉक फिर भी काफी रिस्की है एंड ये एक स्टॉक पोर्टफोलियो का छोटा सा पार्ट होना चाहिए, ना कि कोई मेजर पार्ट। अब इस स्टॉक का 100% बाई कॉल है
यानी सारे इन्वेस्टर्स या एनालिस्ट्स रेकमेंड करते हैं कि ये स्टॉक ले लेना चाहिए, बट आप इन एनालिस्ट्स की बात मत मानो। मैंने जो इन्फॉर्मेशन बताई है उस बेसिस पे आप अपनी रिसर्च करो एंड स्टॉक का एक प्रॉपर एनालिसिस करो, जिसके बाद डिसाइड करो कि ये स्टॉक आपने लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आई होप अभी तक आप इस वीडियो को फॉलो कर पाए हो। इस स्टॉक का एनालिसिस मेरी तरफ से यहीं पे खत्म होता है एंड आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मैं रिपीट करना चाहूंगा, ये स्टॉक रिकमेंडेशन या फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल नहीं है। मैं आपको फोर्टिस में इन्वेस्ट करने को बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मैंने बस अपने रिसर्च के तरीके को शेयर किया है एंड आप प्लीज इस वीडियो को एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही लेना। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट्स में प्लीज अपना फीडबैक दीजिए। अगले वीडियो में दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।